मैं मसा के ठाकुर लेकर आया हूँ एक बहुत ही बड़ी खबर, जो कि है शेफाली जरीवाला को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते। उससे पहले आप सबसे यार दिल से दरखास्त है कि इस बड़ी खबर को अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह पे इस बड़ी खबर को फैला दो, शेयर कर दो, ताकि लोग इस बड़ी खबर के बारे में जान सकें। और चैनल को इसी वक्त करते चलो सब्सक्राइब ताज़ा खबरों को सबसे पहले जानने के लिए। बात करते हैं बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर बिग बॉस सीजन 13 में शेफाली जरीवाला हो चुकी हैं बाहर। घर से बेघर होने के बाद जैसे ही वो आप वापस अपने असली घर में पहुंचती हैं, शॉक्ड हो जाती हैं। वजह क्या है जानते चलिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शेफाली जरीवाला, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया था घर के अंदर, जिसमें थे पारस, मायरा, सिद्धार्थ और शेफाली। ये चार लोगों का ग्रुप बन ही चुका था। और बड़ी बात यह है कि इनका एविक्ट होना घर से बहुत ही बड़ा शॉकिंग एविक्ट था, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा खेल रही थी। बहरहाल जैसे ही ये पारस और मायरा तो एक साथ रहते हैं हम सबको पता है, लेकिन सिद्धार्थ और शेफाली जरीवाला को हम सब अक्सर देखा करते थे बातचीत करते हुए। अब जब वो घर से बेघर होने के बाद जब वो वापस अपने घर जाती हैं, तो इनके जो हस्बैंड हैं जिनका नाम है पराग, उनको हमने देखा था सीरियल जोधा अकबर में, यानी कि उनके जो हस्बैंड थे वो जोधा अकबर सीरियल में आ चुके हैं, वो तो काफ़ी छोटे मोटे काम कर चुके हैं। बड़ी बात यह है कि जब वो वापस अपने घर जाती हैं और अपने हस्बैंड पराग से मिलती हैं, तो बड़ी बात यह है कि वो हो जाती हैं शॉक्ड, क्योंकि उनके हस्बैंड उनको छोड़ रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है शेफाली जरीवाला के घर से, जहाँ पर शेफाली जरीवाला के हस्बैंड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया था कि वो अब शेफाली जरीवाला के साथ बिल्कुल भी अब नहीं रहना चाहते हैं, जो कि इससे बड़ी शॉकिंग खबर शेफाली जरीवाला के करियर के लिए कभी भी नहीं हो सकती। तो शेयर करिएगा वीडियो।